हवा के बारे में तो सब व्यभिचार करते हैं, सब कहते हैं हवा ने व्यभिचार किया, हवा ने व्यभिचार करा, हवा ने सांप के साथ करा, सांप के साथ करा, बहुत अच्छी बात है करो। मगर तुम्हारी माँ बहने जब व्यभिचार करती है तब कोई नहीं कहता कि मेरी बहन ऐसा करती, मेरी बहन ने व्यभिचार करा, उस लड़के के साथ करा, पड़ोस के लड़के के साथ करा, कलीसिया के लड़के के साथ करा, मेरी माँ ने करा, मेरी बहन ने करा, मेरी बीवी ने करा, तब क्यों नहीं करते हो प्रचार? हवा का तो खूब प्रचार हो रहा। यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से दूसरे खंड में है 7 कलीसियाओं के नाम पत्र। हम बात कर रहे हैं एफेसस के बारे में। जी हाँ, एफेसस की कलीसिया का 11वां जो पॉइंट है उसके विषय में बातचीत कर रहे हैं, और एफेसस की कलीसिया का ये 7वां भाग है। पिछले संदेश में हमने जो है प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसके 7 पद से सीखा था, जो जय पाए। आज हम बात करेंगे जीवन के वृक्ष के बारे में, और सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसके 7वें पद को। जी हाँ, यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिसके कानों वे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। हम बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, जब जीवन के वृक्ष की बात आती है तो मुझे अदन वाटिका याद आ जाती है। अब आप कहोगे कि अदन वाटिका कैसे याद आ जाती है? क्योंकि अदन वाटिका में परमेश्वर ने अदन की वाटिका के बीच में एक नहीं 2 पेड़ लगाए थे, और अक्सर इंसान के मुंह पर सिर्फ एक ही पेड़ की बात होती है जो अदन की वाटिका में लगाया गया। मैं उसकी बात कर रहा हूं, जब अदन की वाटिका के पेड़ की बात होती है, जो अदन की वाटिका के बीच में लगाया गया, सिर्फ एक ही पेड़ की बात होती है। जब आप उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 9 पद पढ़ेंगे तो वहां पर आप पढ़ लीजिएगा कि अदन की वाटिका के बीच में 2 पेड़ लगाए गए थे। कौन सा? सबसे पहला जो नाम आया है वो आया जीवन का वृक्ष, फिर दूसरा जो नाम आया है और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष के बारे में। और सबसे ज्यादा हम चर्चा किसकी कर रहे हैं? जीवन के वृक्ष की नहीं कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं किसकी? भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष की। साहब, भले और बुरे के वृक्ष के पेड़ को लेकर जो है ऐसी छींचा लेकर और ऐसे तर्क वितर्क और ऐसे विवाद उत्पन्न होता है कि साहब ये सोच लीजिए कि जब इसके विषय पे चर्चा करते हैं तो ऐसा लगता है हाँ साहब ये ज्ञान से भरे हुए लोग बोल रहे हैं, ये जो है पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग बोल रहे हैं, ये जो है सही में परमेश्वर के लोग बोल रहे हैं, सुनने वाला जो है उसको यही समझ में आता है। मगर सही माने में ये ऐसे लोग जो हैं ये परमेश्वर के है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है परमेश्वर के लोग। अरे भैया, वाटिका के बीच में कोई एक पेड़ थोड़ी लगाया गया था, उसकी चर्चा क्यों नहीं करते हो? उसकी चर्चा करने के लिए कुछ है ही नहीं, मगर भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के विषय में चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है कि सब, और इतना कुछ है कि उसने हवा ने क्या करा वहां पर, वो शैतान है और शैतान ने हवा के साथ व्यभिचार करा, व्यभिचार करा है, सेक्स करा है, बहुत कुछ करा, बहुत सी चीजें हैं। कि वो बीज का फल जो है वो बताते हैं कि बीज का फल क्या है, जब आप आमने सामने बैठे ना इस समय, तब उसके विषय में, क्योंकि ये बहुत लोग सुनते हैं, हमारी बहनें भी हैं, हमारी बहुत सी माएँ भी हैं सुनते हैं, तो मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाह रहा हूँ कि क्या कहना चाहता हूँ मैं। मतलब सोच लीजिए, बहुत गंदी जो है हिस्ट्री है कि जो है हवा को जो है व्यभिचारिणी साबित करते कि व्यभिचारिणी है वो वहां पर। देखिए क्या लिखा परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अब हवा अगर व्यभिचारिणी है उस भले और बुरे के वृक्ष के फल को खाकर, ध्यान दीजिएगा फल की बात हो रही है, तो उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 15 और 17 पद पढ़ेंगे, 15, 16 और 17 जब पद पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा हुआ है। मैं सोचता हूं कि आप परमेश्वर के वचन से जो है पढ़ लीजिए तो जरा अच्छा रहेगा। यहां लिखा हुआ है उत्पत्ति 2 अध्याय 15, 16 और 17 पद, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वे उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अब देखिए सबसे पहली बात क्या है, आदम को बनाकर परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा,
और आदम को बनाने से पहले परमेश्वर ने ये दोनों पेड़ जो थे वो लगा दिए थे, जीवन का पेड़ भी और भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी उसने लगा दिया था। वहां पर पहले ही पेड़ लगे हुए थे। अब आज्ञा किसको दी गई है? आदम को दी गई है। हवा तो जने कितने समय के बाद बनी है और कितने के समय के बाद बनी है ये भी मैं आपको बता सकता हूं, परंतु विषय से भटक जाऊंगा इसलिए फिर कभी बताऊंगा उस विषय को। आदम जो है वो आदम की वाटिका में जो है सबसे पहले परमेश्वर ने जो है वो पेड़ लगा दिया और उसके बाद आदम को बनाकर वहां रखा और आदम को ये आज्ञा दी, यानी आदम को आज्ञा मिली थी कि तू इसका फल मत खाना। अब बीज का फल क्या है? परमेश्वर कह रहा है इसका जो ये बीज का फल जो लटक रहा है तो इसको तू यूज मत करना अपने लिए। आदम कैसे यूज करता कि परमेश्वर आदम को मना कर रहा है? आदम कैसे क्या कहते हैं उस फल को खाकर व्यभिचारी बन जाता? ये बड़ा सोचने की बात है कि लोग कहां कहां सोचते हैं। चलिए जब हम इन बातों को सोचते हैं तो बहुत से सवाल जो है वो खड़े हो जाते हैं। क्या क्यों खड़े हो जाते हैं कि जो फल, देखिए आपके परिवार में सेब आया है, आप अपने परिवार के लिए सेब लाए हैं, हैं? अब भाई ने भी सेब खाया, माँ ने भी सेब खाया, बाप ने भी खाया, बहन ने भी खाया, बीवी ने भी खाया, बच्चों ने भी खाया, सबने वो सेब खाया, एक ही फल तो खाया ना। अब वहां पर भले और बुरे के ज्ञान का जो फल था जिसको खाने के लिए परमेश्वर ने आदम को मना करा था और आदम से ये आज्ञा हवा के पास पहुंची और हवा ने उस फल को खाया। किस फल को खाया? जिस फल को खाने के लिए परमेश्वर ने मना करा वो हवा ने खाया, और वही फल, जो फल खाने के लिए परमेश्वर ने मना करा हवा ने खाया, वही फल आदम ने भी खाया। अब आदम ने कहां से खाया? सीधी सी बात है, आपको लग रहा होगा बुरा, सोचिए जरा जरा सोचिए। अभी तो और भी गंदी बात जो है वो दिमाग के अंदर आती है जब ऐसे सवाल और ऐसे तर्क वितर्क और ऐसे विवाद उत्पन्न होते हैं परमेश्वर के वचन से। अब कौन सी आती है गंदी बात? चलिए अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। जीवन का पेड़ भी लगाया हुआ, परमेश्वर ने यह नहीं कहा था कि जीवन के पेड़ में से मत खाना, यह आज्ञा नहीं मिली थी। उसने कहा था वाटिका के सभी फलों को खा लेना, परंतु वाटिका के बीच में जो भले और बुरे के वृक्ष का, जो ज्ञान का वृक्ष है, उसके फल को मत खाना। जीवन के वृक्ष को खाने के लिए मना नहीं करा था। अब जब आदम ने पाप कर लिया, अब ध्यान दीजिएगा, जब आदम और हवा से पाप हो गया और परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से निकाल दिया, अदन की वाटिका से निकालने के बाद भी जब आप उत्पत्ति 3:22-24 पद तक पढ़ेंगे, पढ़ लीजिएगा आप उत्पत्ति 3:22-24 तक, वहां लिखा है परमेश्वर ने अदन की वाटिका के चारों तरफ एक बहुत तगड़ा पहरा बैठा दिया। और वो पहरा किस चीज का था? सिर्फ एक हाथ पहरा नहीं बिठाया, उसने करूबों का, करूब मतलब जो स्वर्गदूत होते थे, चार पंख वाले, छह पंख वाले, उन करूबों का पहरा जो है चारों तरफ लगा दिया। और यही से संतुष्ट नहीं हुआ, उसने चारों तरफ घूमने वाली ज्वाला में तलवार भी लगा दी ताकि उस अदन की वाटिका में कोई घुस कर उस जीवन के पेड़ में से उस फल को ना तोड़ ले। अब यह फल कौन सा था? पहले ये समझिए कि जीवन का पेड़ है कौन। हम कहते हैं जब जीवन की बात आती है तो हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह। चले प्रभु यीशु मसीह, यानी परमेश्वर डर गया, कई लोग जो हैं, कोई औरत आकर, कोई लड़की आकर प्रभु यीशु मसीह के उस फल को तोड़ के ना खा ले, यानी प्रभु यीशु मसीह के साथ व्यभिचार ना कर ले, प्रभु यीशु मसीह के साथ गलत संबंध ना बना ले। इसका मतलब परमेश्वर को वो जीवन, जब भले और बुरे का पेड़ जो है वो शैतान का है तो जीवन का पेड़ प्रभु यीशु मसीह है, तो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह को डर था कि मेरा जो पुत्र है कहीं व्यभिचार में ना फंस जाए, है नहीं? बड़ी अजीब सी बात नहीं लग रही है? डर गया परमेश्वर, अरे मेरा पुत्र को कहीं ये व्यभिचारी ना बना दे। ऐसा नहीं था, ये ऐसा कोई व्यभिचार वहां पर नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार का कोई व्यभिचार। अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो देखिए तर्क कहां जा रहा है, अगर तर्क वितर्क वाली बात है, विवाद कहां सा, कितनी घिनौनी बात हो रही, यीशु मसीह के लिए हो रही है, कहीं हाथ बढ़ाकर जीवन के पेड़ में से तोड़ के ना खा ले। कौन सा फल? जो समझ रहे हैं आप ना, वही वाला फल, प्रभु यीशु मसीह का भी वही वाला फल तोड़ के ना खा ले। यार कैसी मतलब सोच, कितनी गंदी सोच होती है लोगों की, बड़ा पता नहीं कहां से कहते हैं कि हम परमेश्वर का आत्मा हमें मिला है। अरे काय का आत्मा मिला है, हम परमेश्वर के वचन में से बहुत कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते। ऐसी सोच वाले शैतान की संतान है।
सिर्फ शैतान की संतान है और वह शैतान की बातों को बस बढ़ावा देते हैं और लोगों को के अंदर गलत विचार पैदा करते हैं, यीशु मसीह के लिए भी और जो स्त्री है उसके लिए भी। अब हवा के बारे में तो सब व्यभिचार करते हैं, सब कहते हैं हवा ने व्यभिचार किया, हवा ने व्यभिचार करा, हवा ने सांप के साथ करा, सांप के साथ करा, बहुत अच्छी बात है करो। मगर तुम्हारी माँ बहने जब व्यभिचार करती है तब कोई नहीं कहता कि मेरी बहन ऐसा करती है, मेरी बहन ने व्यभिचार करा, उस लड़के के साथ करा, पड़ोस के लड़के के साथ करा, कलीसिया के लड़के के साथ करा, मेरी माँ ने करा, मेरी बहन ने करा, मेरी बीवी ने करा, तब क्यों नहीं करते हो प्रचार? हवा का तो खूब प्रचार हो रहा। मैं माफी चाहूंगा अपनी माँ बहनों के लिए, मैं ये नहीं कह रहा, मैं क्लेम नहीं लगा रहा, मगर बहुत से ऐसे हैं जो व्यभिचार करते हैं तो उनके बारे में क्यों नहीं ढोल पीटी जाती है? हम खुद व्यभिचारी होते हैं, हम खुद व्यभिचार करते हैं, हम अपने लिए क्यों नहीं कहते कि हाँ मैंने उस लड़की के साथ करा, मैंने उस औरत के साथ करा, मैंने इसके साथ करा, क्यों नहीं ढोल पीटते हैं? क्योंकि हम समाज में अपनी इज्जत को बनाकर रखना चाहते हैं। अरे ठीक है, परमेश्वर का वचन कहता है जिसने व्यभिचार किया है उसने, परमेश्वर ने उसको खोला है, मगर जिसने नहीं किया है उसके बारे में क्यों बेमतलब में कहते हैं? तो यही ये बात कहता है कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है कि जब हम आत्मा की सुनते हैं तब हमें वो जो है जीवन के पेड़ में से खाने को देगा, और वो जीवन का पेड़ में से जो है वो खाने को देगा, परमेश्वर का वचन जो स्वर्ग लोक में लगा है। अब स्वर्ग लोक में जो पेड़ लगा है उसमें से खाने को देगा तो वो कौन सा फल हो गया? क्या हम उसको वही फल समझे कि परमेश्वर वही फल हमें देगा, यानी हम यीशु मसीह के साथ व्यभिचार करेंगे, ये भी यीशु मसीह हमारे साथ व्यभिचार करेगा? और लोग रेफरेंस क्या देते हैं जरा सुनिए, पहले योना की पत्री और 3 अध्याय और उसका 12वां पद, बहुत से लोग उदाहरण देते हैं, मैं उनको उदाहरण दे रहा हूं, और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया, और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। देखिए यहां पर क्या बात हो रही है, उसके काम बुरे थे, भाई के काम कौन से थे? हाबिल के काम धर्म के थे, उसकी सोच धर्म की थी, उसके विचार। यहां पर क्या लिखा है, ये बताते हैं कि कैन के समान ना बने कि जो उस दुष्ट से था, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब वो दुष्ट कौन था, हमने पिछले संदेश में सीखा था कि प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसके 9 पद में कि वो दुष्ट कौन था, यानी शैतान, यानी वो पुराना सांप, यानी इब्लीस, शैतान, सारे संसार का भरमाने वाला, हमने पिछले संदेश में ये सीखा था, यानी हम सांप की संतान थे। अब यहां पर क्या लिखा है, मती 3 अध्याय उसका 7वां पद, लूका 3 अध्याय और उसका 7वां पद, यहां पर यूहन्ना जो है मती और लूका दोनों में एक बात कहता है, क्या कहता है? हम पिछले संदेश में भी ये बात कह चुके मगर मैं बताना चाहता हूं, यूहन्ना कहता है हे सांप के बच्चों तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। अब यहां पर यूहन्ना जो है सांप के बच्चों किसको कह रहा है, लोगों को कह रहा है। क्या उन लोगों के पास वो सांप अर्थात शैतान उनकी माओ के पास गया था व्यभिचार करने, कि उन्होंने व्यभिचार करा और ये संतानें पैदा हो गई? ये एक जुमला कहते हैं, ये एक कहावत होती है, और वहां पर भी है कि उस दुष्ट के समान है। हम लोग बहुत से लोगों को कह देते हैं हे शैतान की औलाद, पूरा शैतान है, शैतान का बच्चा है, ऐसे डांट देते हैं। इसका मतलब शैतान का बच्चा कहने का मतलब ये नहीं है कि शैतान ने क्या कहते हैं व्यभिचार करा हो किसी के साथ, या कोई ये कह रहा है कि शैतान का बच्चा है। यहां पर कैन के समान दुष्ट, यानी कैन के समान दुष्ट बनने का मतलब ये नहीं कि शैतान ने जो है हवा के साथ व्यभिचार करा और कैन पैदा हो गया, ये नहीं है। ये विचारों की बात है, ये सोच की बात है कि किसके सोच किस तरीके से होते हैं। अब यहां पर एक चीज और है, जब हम हाबिल की बात करते तो हाबिल, इसका मतलब हाबिल बहुत अच्छा था, हाबिल के धर्म के काम थे, वो परमेश्वर की संतान था। अब वो परमेश्वर की संतान कहलाया, यहां पर जैसे कैन जो है वो दुष्ट की संतान है, दुष्ट से कहलाया। हम परमेश्वर के हैं और परमेश्वर कई बार कहता है कि तुम मेरे हो और तुम मेरी संतान हो। हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए तो कैसे उत्पन्न हुए, इसका मतलब परमेश्वर भी व्यभिचारी है। भाई जब शैतान को व्यभिचारी समझ रहे हो तो परमेश्वर को भी समझो, अगर संतान होने पर, अगर शैतान की संतान कहलाई जा रही है और तो परमेश्वर की भी संतान कहलाई जा रही है, बात ही खत्म हो जाती है। फिर हम प्रचारी क्यों कर रहे हैं, फिर हम प्रभु पे विश्वासी क्यों रख रहे हैं, जब प्रभु भी व्यभिचारी है और शैतान का भी वही काम है। यहां समझने वाली बात है ना, तर्क वितर्क करके विवाद करने से कोई फायदा नहीं। जैसा हम पिछले संदेश में कह चुके हैं तीमुथियुस को यही चीज समझाया जाता है कि तू तर्क वितर्क और विवादों में मत पड़, परमेश्वर का वचन जो इस बात को कह रहा है। अब यहां पर जो है प्रभु यीशु मसीह क्या, देखिए यीशु मसीह भी क्या कहता है, मती 13 अध्याय उसके 34 पद को पढ़िएगा, यीशु मसीह भी बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहता है हे सांप के बच्चों। क्यों कह रहा है यीशु मसीह हे सांप के बच्चों?
किनसे कह रहा है? उस समय के लोग लोगों की माओ के पास गया था सांप व्यभिचार करने, वो पैदा हुए हैं। सोचें भाई, परमेश्वर के वचन को जरा अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें जरा। तो का ये कहना है कि हम सब व्यभिचार की संतान है। चलिए अगर उनकी बात हम मान लेते हैं कि हम सब व्यभिचार की संतान है, तो एक विवाद और खड़ा हो जाता है। अब ये जो विवाद खड़ा होता है, ये किसके लिए होता है? ये मरियम के लिए खड़ा होता है। कौन मरियम? जिससे यीशु मसीह पैदा हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, उस समय परमेश्वर की दृष्टि में मरियम पवित्र स्त्री थी। आप लूका की इंजील को जब आप पढ़ेंगे, पहला और दूसरा अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, तो वहां पर मरियम के बारे में दिया गया। मरियम पवित्र स्त्री थी और परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। परमेश्वर ने मरियम को चुना, सारी स्त्रियों में वो पवित्र थी। और जब एलिशिबा पवित्र आत्मा से, ध्यान दीजिएगा, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होती है, तो वो कहती है कि मेरे प्रभु की माँ। और मरियम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर क्या कहती है कि अब देश देश के लोग मुझे धन्य कहेंगे। मगर आज लोग क्या कह रहे हैं उसको कि भाई साहब, वो तो अंडे के समान है, अंडे में से आप सारा मटेरियल निकाल दीजिए और वो खोखला बसता है और खोखला भेज दीजिए, यीशु मसीह पैदा हो गया, अब मरियम खत्म। अब वहां पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर दोनों बहनें कह रही हैं कि देश देश के लोग जो हैं मुझे धन्य कहेंगे, देश देश के लोग। अब किससे? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, यानी पवित्र आत्मा कहलवा रहा है। और यहां पर जो है मरियम की चर्चा जब हम बात करते हैं, वही मरियम जिसने यीशु मसीह को पैदा किया, बड़ी हो यीशु मसीह बड़ा हुआ और किस तरीके से वो मारा गया, पीटा गया, कुछ भी था, प्रभु यीशु मसीह मरियम से पैदा हुआ और उसने मरियम का दूध भी पिया और मरियम ने उसका पालन पोषण वैसे ही किया जैसे एक बच्चे का किया जाता है। अब उसी मरियम से जो है और भी संतानें पैदा होती हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मैं पढ़ाना चाहूंगा मत्ती की इंजील उसका 13वां अध्याय और उसके 53 से लेकर 56 तक। यहां लिखा हुआ है, जब यीशु ने ये सब दृष्टांत कह चुका तो वहां से चला गया और अपने नगर में आकर उनके आराधनालय में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको ये ज्ञान और सामर्थ कहां से मिले? क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं? और क्या इसकी माता का नाम मरियम और उसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ और शमौन और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको ये सब कहां से मिला? अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो है ये जो यहूदी लोग हैं आराधनालय में, जब वो आराधना करने गया, संदेश दे रहा, उपदेश दे रहा है, तो वो यहूदी लोग क्या समझ रहे हैं कि ये यूसुफ की संतान है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर की संतान है और उसके बारे में भविष्यवाणी की गई और वो सब जानते हैं उस भविष्यवाणी के बारे में। इसके बावजूद भी वो किसकी संतान बता रहे हैं? यूसुफ की संतान बता रहे हैं। और उसकी और भी संतानें पैदा हुई। अब और भी जो संतानें पैदा हुई हैं यूसुफ से पैदा हुई हैं। अब जैसा लोग कहते हैं कि हम सब जो मनुष्य जो हैं वो व्यभिचार की संतानें, तो इसका मतलब मरियम से और जो संतानें पैदा हुई हैं जिनके नाम दिए गए हैं भाइयों को और उनकी और भी बहनें थी, वो सब क्या व्यभिचार की संतान थे? यानी मरियम पहले तो पवित्र थी और फिर वो भी व्यभिचारिणी हो गई। अगर वो पवित्र नहीं होती, वो परमेश्वर की नजरों में पाक और साफ नहीं होती, तो परमेश्वर उसे अपने पुत्र के लिए पैदा होने के लिए क्यों चुनता? परमेश्वर ने उसको चुना ही क्यों अगर वो पवित्र नहीं थी? प्रभु यीशु मसीह को पैदा करने तक वो पवित्र रही। प्रभु यीशु मसीह के पैदा कर चुकने के बाद, उसको बड़ा होने के बाद, उसकी जब और संतानें हुई तो वो संतानें व्यभिचार की हो गई। कुछ लॉजिक समझ में नहीं आता है। आप ध्यान करें कि हम परमेश्वर के वचन से कितना खिलवाड़ कर रहे हैं और किस तरीके का खिलवाड़ कर रहे हैं। कितना बड़ा मतलब क्लेम जो है मरियम के ऊपर लगा रहे हैं कि पहले वो पवित्र थी जब वो चुनी गई थी, परंतु जब यूसुफ से संतानें हुई तब वो व्यभिचार की संतानें हो गई। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि हम जितने भी मनुष्य पैदा हुए सब मनुष्य जो है व्यभिचार की संतान है। मरियम की पवित्रता खत्म हो गई वहां पर, मरियम अपवित्र हो गई और व्यभिचार की संतानों में गिरी। अब अगर व्यभिचार की संतान है तो मरियम भी तो वैसे पैदा हुई, मरियम भी व्यभिचार की संतान हुई, मरियम भी अपवित्र थी, तो परमेश्वर उसको कैसे अपने पुत्र के लिए चुनता है? एक बहुत बड़ा विषय, बहुत बड़ा टॉपिक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। समझ कर पढ़ें कि परमेश्वर का वचन कहता क्या है। सांप किसे कहते हैं? मैंने बताया ना,
प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसके 9 पद को, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। देखिए क्या लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर गिरा दिया गया, या इसका मतलब यूहन्ना और जो प्रभु यीशु मसीह, सही कह रहा सांप के बच्चों, जब पृथ्वी पर गिरा दिया गया तो सब मां बहनों के साथ सांप जो है व्यभिचार कर रहा है, जैसे उसने आदम की वाटिका में हवा से किया और कैन पैदा हो गया, ऐसे हम भी पैदा हो गए, हम भी व्यभिचार की संतान है। क्योंकि अब व्यभिचार का मतलब क्या है, वही है व्यभिचार का मतलब, सेक्स करना ही व्यभिचार अगर है तो फिर इसका मतलब क्या है कि शैतान जो है सबके साथ सेक्स करता फिर रहा है, अपनी संतानें पैदा करता फिर रहा है और संतानें उत्पन्न कर रहा है, बात खत्म हो जाती है। और जब हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं अपने आप को, तो वो भी वही काम हो रहा है, हमारे दिमाग में सिर्फ यही चलता है, यही चलता है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में जो है हमारे सोच विचार गंदे हैं, हमारी सोच गंदी है, इसलिए हमारे दिमाग में और कुछ आता ही नहीं है सिवाय इसके कि साहब वहां सेक्स हो रहा था और वो कर रहा था। तो यहां पर भी यही बात हो रही है जब यूहन्ना और प्रभु यीशु मसीह करें, समझने की कोशिश करें, रिवार्ड ऐसे नहीं मिलता है कि हम कुछ भी कह लें और कुछ भी वो कर लें। क्योंकि देखिए बहुत सी बातें हैं, हम लोग कभी कदार अपने, बहुत से लोग अपने बच्चों को डांट कर शैतान की औलाद कह देते हैं, स्वर का बच्चा कह देते हैं, कुत्ते का बच्चा कह देते हैं, अरे कुत्ते की औलाद है, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब क्या है, उनके काम है, कुत्ते ने व्यभिचार नहीं करा, स्वर ने जाकर व्यभिचार नहीं करा है वहां पर जो है, या शैतान आकर व्यभिचार नहीं कर रहा है। और वही जुमला जो है, वही कहावत जो है वहां पर जो है, ये पहले योना की पत्री 3 अध्याय उसके 12वें पद में भी है, इन चीजों को समझे परमेश्वर। दूसरा पॉइंट क्या है, यीशु मसीह क्या कहता है, जब हमने पिछले संदेश में भी ये पढ़ा था और इस बारे में भी हम पढ़ रहे हैं योना 8 और उसका 44 पद में, कि तुम अपने पिता शैतान से हो, हमने पढ़ा था ना, तुम अपने पिता शैतान से हो, अपने पिता की अभिलाषाओं को पूरा करते हो और वो जो है आरंभ से हत्यारा है और वो झूठा है, अब वरन झूठों का पिता है। योना 8:44 को पढ़ लीजिएगा, तुम बिल्कुल साफ यीशु मसीह कहता है कि तुम अपने पिता शैतान से हो। तो अगर वो कह रहा है कि तुम अपने पिता शैतान से हो और हमारे अंदर अगर कोई बुराई पाई जा रही है, मैं अपनी बात करूं, मेरे अंदर अगर कोई बुराई पाई जा रही है, बुरे काम पाए जा रहे हैं, तो शैतान ने आकर क्या मेरी माँ के साथ व्यभिचार करा जो मैं शैतान की औलाद हो गया, कितना मतलब गलत चीज जो है वो जाती है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस चीज को समझें, इफिसस की कलीसिया में जो है ये तर्क वितर्क और विवाद जो है ये इसी प्रकार का विवाद था। तो प्रभु यीशु मसीह और पौलुस दोनों तीमुथियुस को समझाते हैं कि तू वाद विवाद में मत पड़, आप वाद विवाद में मत पड़े, आप ऐसी बातों में मत पड़े, इससे जो होता है हमारे विश्वास में कमी आने लगती है और हम परमेश्वर के वचन से भटक जाते हैं, हमारी सोच गंदी होने लगती है, हमारे विचार गंदे होने लगते हैं, जो हमें प्रभु से बहुत दूर ले जाकर खड़ा करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे पास समय कम होने की वजह से मैं बहुत सी बातों को कह नहीं पाता हूं, मगर कहना चाहता हूं आपसे और सोचता हूं कि कभी प्रभु ने मौका दिया तो रूबरू होकर आपके बीच में बैठकर बातचीत करूंगा इन सब विषयों के ऊपर, ताकि आप समझें और प्रभु के वचन को सही तरीके से समझकर उसको अपने जीवन में वैसे ही लागू करें जैसा आत्मा कहता है। प्रभु आप सबको आशीर्वाद दे, आमीन।